हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद का महत्व, क्या काम है, क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में उसके पद के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों के अलग अलग महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं। जैसे रैमजे मेयर ने कहा, उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि उतने अधिकार संसार के किसी वैधानिक शासक, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम में न केवल राज्य का प्रमुख है बल्कि शासन का प्रमुख है, लेकिन रैमजे मोर ने उस पद से भी ज़्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश प्रधानमंत्री को माना है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद है। अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उन्हें किस संज्ञा से नवाजा है। लॉर्ड मोरलो ने कहा, वह समान पदों में प्रथम है, यानी बाकी एमपीज होते हैं जैसे एमपी होते हैं वैसे ही वह एक एमपी है, लेकिन वह उन समान पदों में प्रथम है, यानी थोड़ा उनसे ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्की ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पदों वालों में प्रथम से अधिक किंतु ताना से कुछ कम है। लास्की ने लॉर्ड मोरले से ज़्यादा महत्वपूर्ण लेकिन फिर भी तानाशाह नहीं माना। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तानाशाह से भी नवाजते हैं। विलियम हारकोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा नक्षत्रों के बीच सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद है। रैमजे मेयर ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और इस यंत्र का चालक प्रधानमंत्री है, यानी जो राज्य रूपी जहाज है उसको अगर जो भी ड्राइव कर रहा है, जो उसे डायरेक्शन दे रहा है, उसकी गति तय कर रहा है, वह कार्य प्रधानमंत्री कर रहा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री का है। यह पद क्योंकि ब्रिटेन का संविधान है, वह अलिखित है, वहाँ अधिकांश पद प्रक्रियाएं वो सब अभिसमयों के रूप में, कन्वेंशन के रूप में, परंपराओं के रूप में विकसित है, वैसे ही प्रधानमंत्री का पद भी वहाँ अनौपचारिक है तथा यह समय के साथ परंपरा के रूप में विकसित पद है। हुआ क्या था कि हनोवर वंश के जो राजा थे, जॉर्ज प्रथम द्वितीय, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के लिए रॉबर्ट वॉलपोल, एक जो एमपी थे, उनको कैबिनेट की मीटिंग के लिए की अध्यक्षता के लिए इन्वाइट किया। तब से लगातार रूप से यह परंपरा चलने लग गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो राजा की बजाय कोई अन्य व्यक्ति करता था। फिर जैसे जैसे ये पद महत्वपूर्ण होता गया, बाद में संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड कुछ परंपराएं थी वो इनसे भी जुड़ गई। जैसे रॉबर्ट वॉलपोल को राजा का पूर्ण विश्वास प्राप्त था, लेकिन इसके बावजूद संसद का जब विश्वास नहीं था रॉबर्ट वॉलपोल में, तो रॉबर्ट वॉलपोल ने इस्तीफा दे दिया। इससे यह परंपरा पड़ गई कि कैबिनेट को संसद के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी संसद का जब तक उस पर विश्वास है तभी तक वह सत्ता में बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री पद का पहला उल्लेख 1878 में लॉर्ड बिंग्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर किया तब मिलता है। इनकी सैलरी भी प्रधानमंत्री की बजाय राजकोष के प्रथम लॉर्ड के रूप में मिलती है। 1937 का एक्ट है जो मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन, उसमें पहली बार प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया गया। बहुमत के नेता को आमंत्रित करता है राजा। होता क्या है कि राजा यानी क्राउन सम्राट बहुमत के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री की सहमति से फिर बाकी मंत्रियों को आमंत्रित करता है। लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ब्रिटेन में केवल लोअर हाउस का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का, लोअर हाउस का नाम वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसी का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। जबकि भारत की संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का एमपी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको अगर याद हो तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुने गए थे हमेशा ही जब वो प्रधानमंत्री थे। अगला है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, तो उसके कार्य और शक्तियाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं।
पहला कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण। क्राउन चुनाव आम चुनाव के बाद में दल के सबसे बड़े नेता जिसे बहुमत प्राप्त हो उसको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं, फिर प्रधानमंत्री अपनी पसंद से अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। सामान्यतः कोई भी प्रधानमंत्री हो वह अपने दलीय अनुशासन, दल में बड़े नेता, दल के अंदर जो गुट होते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, इन सब का ख्याल रखता है मंत्रिमंडल निर्माण में। भारत के संदर्भ में जैसे कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण है, इनका ख्याल मंत्रिमंडल निर्माण में रखा जाता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण है वह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह कौन सा मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दे, किस मंत्री को कितने डिपार्टमेंट दे, उसे राज्य मंत्री बनाए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, यानी मंत्रिमंडल के निर्माण में अहम भूमिका है वह प्रधानमंत्री की है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, मंत्रिमंडल का एजेंडा, मंत्रिमंडल की बैठकों से लेकर के उसमें क्या तय करना है, मंत्रिमंडल का पूरा जो अध्यक्षता से लेकर के पूरा उसका कार्य संचालन है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या प्रधानमंत्री किसी मंत्री का से रेजिग्नेशन मांगे तो उसे रेजिग्नेशन देना होता है और प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सम्राट को परामर्श देना, जो संसदीय व्यवस्था में क्राउन है उस क्राउन के पास बहुत लिमिटेड शक्तियां हैं वास्तव में, लेकिन क्राउन और सरकार के बीच में एक तरीके से कड़ी का कार्य करता है प्रधानमंत्री। जो उनके पास शक्तियां हैं तो क्राउन को समय समय पर अगर कुछ भी परामर्श चाहिए तो प्रधानमंत्री उन्हें परामर्श देते हैं, सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं देते हैं, सरकार किस एजेंडा पे काम कर रही है उसके बारे में उन्हें सूचनाएं देते हैं। लोक सदन का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री न केवल गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नेता होता है। तो प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल में जो उसका कद है उसका उपयोग करते हुए वह राजनीतिक दल और सरकार दोनों में अपनी सत्ता का उपयोग करता है। लोक सदन का नेतृत्व है, तो जो लोअर हाउस है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के नाते या सबसे बड़ी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता के नाते वह लोक सदन का नेतृत्व भी करता है। वहाँ किन विषयों पर कानून बनना है, उनका क्रम क्या रहेगा, क्या कौन से कैबिनेट में डिस्कस होंगे, कब पार्लियामेंट में रखा जाएगा, कौन से सरकार की प्राथमिकताएं हैं, इसके अलावा प्रशासन से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देना, यह सब कार्य प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ही करती है। शासन का संचालन, चूंकि प्रधानमंत्री न केवल विधायन में बल्कि प्रशासनिक जो कार्यपालिका है उसका भी मुखिया होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही सभी विभागों के मुखिया होते हैं, अतः शासन का संचालन का मुख्य दायित्व भी प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, प्रधानमंत्री देश में और देश से बाहर राष्ट्र के मुखिया के नाते, एक तरीके से शासन के मुखिया के नाते राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्र की दूसरे देशों के साथ होने वाली संधियों से लेकर राष्ट्र के प्रतिनिधि के नाते सारे काम प्रधानमंत्री और क्राउन करते हैं। सामान्यतः क्राउन के नाम से होते हैं लेकिन अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। नियुक्तियां, प्रधानमंत्री प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां कैबिनेट की सलाह से या अपनी विवेक से करते हैं। ये नियुक्तियां प्रशासनिक नियुक्तियां होती है लेकिन इनका दायरा बहुत विस्तृत होता है। दल का नेता, हम देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि सबसे बड़े दल का नेता होता है तो अतः उस दल के नेता के नाते भी उसे सबसे बड़ी भूमिका होती है उस दल को नियंत्रित करने की, दल की को दोबारा सत्ता में लाने के लिए। तो प्रधानमंत्री की भूमिका न केवल
विधायिका से संबंधित है, न केवल प्रशासनिक बल्कि साथ साथ उसका राजनीतिक भूमिका भी है उस दल के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते। अब चूंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों का दायरा इतना अधिक विस्तृत है, तो उन पर यह आरोप लगता है कि क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिक्टेटर है, क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहा जा सकता है। इस पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिक दो गुटों में बंटे हुए हैं। जैसे लॉर्ड मॉर्ले और रेमजे म्योर कहते हैं कि हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहा जा सकता है, जबकि फाइनर और कार्टर कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं है। इनके अपने अपने तर्क हैं। जैसे लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली इतनी लचीली है कि राष्ट्रीय आपातकालों में प्रधानमंत्री प्राय तानाशाह बन जाते हैं, कि जब इमरजेंसी आती है तो प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उन्हें तानाशाह कहा जा सकता है। जबकि रेमजे म्योर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहना गलत है, वास्तव में इसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह अपने साथियों से बहुत बढ़कर है और उसे अधिनायक कहा जा सकता है। रेमजे म्योर कह मानते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का दायरा इतना विस्तृत है कि उन्हें अधिनायक कहा जा सकता है। लेकिन फाइनर और कार्टर इस मत से सहमत नहीं है। फाइनर कहते हैं कि इतना शक्तिशाली होने के उपरांत भी प्रधानमंत्री सीजर नहीं है, यानी तानाशाह नहीं है। वह इतना मूर्धन्य विद्वान नहीं है कि उसे चुनौती नहीं दी जा सके। उसके विचार अंतिम नहीं है, वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है। किसी भी इसमें उसका प्रतिद्वंद्वी उसका स्थान ले सकता है। फाइनर का कहने का मतलब यह है कि शक्तिशाली होना या शक्तियों का दायरा विस्तृत होना उसे तानाशाह नहीं बना सकता। तानाशाह से तात्पर्य होता है कि वह किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, उसे चुनौती अलग-अलग जगहों से मिल सकती है, और ऐसा नहीं है कि उसके विचार अंतिम है। वह अंतिम रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हर 5 साल के बाद तो चुनाव लड़ना ही है, और हमेशा यह संभावना बनी रह सकती है कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी उसका स्थान ले सकता है। यानी अगर आपको बहुमत प्राप्त नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो आपका स्थान दूसरा प्रधानमंत्री ले सकता है। कार्टर ने कहा अधिनायक नहीं है, क्योंकि वह निश्चित समय तक ही इसका उपयोग कर सकता है। यही 5 वर्षों के बाद आम चुनावों से निर्वाचक उसे सत्ताहीन कर सकते हैं, और उसकी शक्ति का स्रोत मौलिक नहीं है, वह दल के बहुमत पर निर्भर है। कार्टर ने कहा कि तानाशाह की जो शक्ति होती है वह मौलिक होती है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और उसे रिप्लेस करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन यहाँ ब्रिटेन प्रधानमंत्री है, वह हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं और उन चुनावों से उसे हटाया जा सकता है, तो वह अधिनायक नहीं है। कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने ज़्यादा यथार्थवादी और ज़्यादा बैलेंस्ड व्यू रखा। जैसे हरकोर्ट कहते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं है कि वही धुरी हैं और वो अधिनायक हैं। हर्बर्ट मोरिसन ने समान पदों में प्रथम ही माना। अब अगला जो प्रश्न है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही सत्ता की धुरी है, और सारे न केवल वह कार्यपालिका का बल्कि विधायिका के मामले में भी बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय तानाशाही है। हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्रिमंडल तानाशाह है। इसके मामले में भी विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। जैसे रेमजे म्योर कहते हैं कि मंत्रिमंडल के पास ऐसे अधिकार होते कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे ये अपने अधिकारों का प्रयोग में कितना ही असमर्थ क्यों ना हो। जहाँ इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, वहाँ इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही 2 पीढ़ियों की तानाशाही से अधिक निरंकुश है। रेमजे म्योर का कहने का मतलब है कि शक्तियाँ भले ही वो उपयोग ना करें, लेकिन जो शक्तियाँ उनके पास हैं उनसे हम ये कह सकते हैं कि वह तानाशाह है, यानी शक्तियों का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है। सिडनी लो, लॉर्ड हेवर्ट, एडम्स ये भी मानते हैं कि कॉमन सभा का महत्व कम हुआ है और मंत्रिमंडल के पास शक्तियां अधिक आ गई है। यही वजह है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल तानाशाही की ओर बढ़ रही है, या ब्रिटिश मंत्रिमंडल तानाशाह है। लोवेल, मैथ्योर, जेनिंग्स और लास्की इस मत का समर्थन
खंडन करते हैं, वो नहीं मानते कि ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो तानाशाह है। मंत्रिमंडल की तानाशाही जो राजनीति वैज्ञानिक देखते हैं, वो इनके पीछे क्या कारक देखते हैं उनको हम एक साथ देखते हैं। जैसे दलगत अनुशासन, जो दलीय व्यवस्था पनपी, किसी भी देश में राजनीतिक दलों का उल्लेख कम्युनिस्ट शासन है उनको अलावा संविधान में नहीं है। दलीय व्यवस्थाएं विकसित हुई और ब्रिटेन में तो अब बहुत सारा पार्टी इवोल्व हुआ है, तो दलीय अनुशासन भी इवोल्व हुआ, लेकिन दल के उदय के साथ दल का जो अनुशासन है उसने वहाँ इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। जो चुनाव के क्षेत्र होते हैं वो इतने विशाल होते हैं कि किसी व्यक्ति के खुद के दम पर चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए दलों के उम्मीदवार जीतते हैं तो दल इस चीज़ का उनके ऊपर नियंत्रण करने में इस्तेमाल करते हैं। तो दल का अनुशासन है, उसने जो दल के महत्वपूर्ण नेता हैं उनके हाथ में ज़्यादा सत्ता दी, और दल के महत्वपूर्ण नेता ही मंत्रिमंडल में होते हैं और दल का सबसे महत्वपूर्ण नेता प्रधानमंत्री होता है। तो डेफिनेटली किसी भी दल के शासन में, वह भले ही प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री हो, अगर सारे दल के महत्वपूर्ण नेता मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो उस मंत्रिमंडल के पास दलीय अनुशासन की वजह से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है। कहने का तात्पर्य है, मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध दल के किसी आम सदस्य की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उसका विरोध करे, क्योंकि अगर वह उसका विरोध करेगा तो उसके राजनीतिक करियर है उस पर ही आंच आएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, यानी कोई भी जो निर्णय है उसका मंत्री सभी मंत्रियों को एक होकर उसका बचाव करना होता है, उसका प्रचार करना होता है, और यह निर्णय सर्वसम्मति का निर्णय मानकर उसकी पालना करनी होती है। तो इस स्थिति में मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं वो एक समूह की भावना के रूप में सामने आते हैं, तो उनका विरोध मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं कर सकते। लोक सदन के विघटन का अधिकार, इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन को नियंत्रण करने के लिए करता है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मंत्रिमंडल में वो लोग होते हैं जिस दल को बहुमत है उस दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता होते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल अगर रिजाइन कर देता है और दोबारा चुनाव की घोषणा कर देता है तो दोबारा चुनाव होते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन को विघटन करने की धमकी का उपयोग मंत्रिमंडल लोक सदन को कंट्रोल करने के लिए करता है, अतः मंत्रिमंडल और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। संसद की कार्यविधि, संसद पूरी साल संसद के सत्र नहीं चलते, तो संसद के पास कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है, तो संसद की कार्यविधि में कुछ इस प्रकार के प्रावधान होते हैं जो जैसे सामान्य समापन, मुख बंद, कंगारू समापन, ये हर मामले में बहस की बजाय सांकेतिक रूप से बहस को ही बहस होना मानकर काम को बंद कर दिया जाता है। यानी जो कार्य संसद को मंत्रालय मंत्रिमंडल को अकाउंटेबल बनाने के लिए करना चाहिए, वह संसद के कुछ इस प्रकार के कार्यविधि होती है कि वह कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पास और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और दूसरा बहुत कम दिनों में वह बैठती है, तीसरा संसद में जो आम एमपीज होते हैं, जो आम सांसद होते हैं, वो विधायन और प्रशासन की उतनी बारीकी को नहीं समझते जितने मंत्रिमंडल के सदस्य समझते हैं, यानी यह विशेषज्ञता वाला काम होता है, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स के आम सदस्य के लिए समझना मुश्किल होता है, अतः वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। संसदीय जीवन देख लिया हमने, अत्यधिक कार्य होते हैं, काम कम दिन होता है। प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है? प्रदत्त व्यवस्थापन होता है कि सैद्धांतिक रूप से जो रूल मेकिंग का कार्य है, लॉ मेकिंग का कार्य है, वह रूल एक्चुअली प्रशासनिक कार्य है, लॉ मेकिंग का कार्य है वह लेजिस्लेचर का है, लेकिन लेजिस्लेचर चूंकि बहुत कम दिन बैठती है और
एकदम छोटी छोटी चीज़ों को कानून में समाहित करना भी मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि आम जो कानून का ढांचा है, या एक तरीके कानून का मोटा मोटा सांचा है, वह तो लेजिस्लेचर बना देता है, लेकिन बाकी सारा कार्य एग्जीक्यूटिव के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो कानून निर्माण का कार्य था, वह भी विधायिका से छिन करके मंत्रिमंडल के हाथ में, यानी एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गया है। इसने एग्जीक्यूटिव को बहुत स्ट्रोंग बनाया है। तो यह मंत्रिमंडल की तानाशाही का एक कारण है। संकटकालीन स्थितियां, संकटकालीन स्थितियां में यानी जब जब इमरजेंसी स्थिति होती है, भले ही युद्ध हो या मंदी हो, आपातकाल हो, कुछ भी हो, संकटकालीन स्थिति में क्विक डिसीजन की जरूरत होती है। और जो संसदीय प्रक्रिया है, यानी संसद का जो कानून बनाने का या निर्णय लेने का तरीका है, वह बेहद लंबा होता है, बहुत जटिल होता है। उसमें तीन तीन वाचन होते हैं, तब जाके कानून बनता है। फिर कमेटियां होती हैं, एक सदन से दूसरे सदन को सौंपा जाता है, फिर क्राउन के साइन होते हैं। तो संकटकालीन स्थितियों में जल्दी और क्विक डिसीजन की डिमांड होती है, और आपसे जनमत और इवन राष्ट्र है, वह है क्वेश्चन नहीं करता तत्कालीन सरकार से। तो उस स्थिति में भी मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। प्रशासनिक न्याय, प्रशासन की मुखिया के नाते प्रशासनिक न्याय की शक्ति उसके पास होती है, यानी जो विद इन डिपार्टमेंट्स कुछ विवाद या कुछ न्याय के इश्यू होते हैं, उन्हें सुनने के अधिकार प्रशासनिक मुखियाओं को होता है। इससे भी मंत्रिमंडल के जो चीफ हैं, यानी विभागों के जो मुखिया हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि दो महत्वपूर्ण दल ही होते हैं, यद्यपि अन्य दल होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दल और सामान्यतः सरकार सत्ता है, वह दोनों दलों के बीच ही घूमती रहती है। तो इस स्थिति में जो दल सत्ता में होता है, उस दल का अपने सदस्यों पर पूरा नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसके सदस्यों का दूसरे दल में जाने की संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि सत्ता बहुमत उन्हीं के पास होता है। लेकिन राजनीतिक विचारी के मानते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है, वह तानाशाह नहीं है। तो तानाशाह क्यों नहीं है, उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं? मैथ्योट, जेनिंग्स, लोवेल, लास्की, डाइसी और एमरी, ये मानते हैं कि मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है। लोवेल कहते हैं, यह तानाशाही ऐसी है जिस पर निरंतर आलोचना की बारिश होती है। यह सीमित है जनमत की शक्ति से। किससे सीमित है? जनमत की शक्ति से, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका से और आगामी चुनाव की प्रत्याशा से। यानी कहने का मतलब यह है कि यह तानाशाही नहीं हो सकती जिस पर इतनी ज़्यादा जिसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हो, और जिस पर जिसे जनमत का डर हो, अविश्वास प्रस्ताव का हमेशा डर रहे और आगामी चुनाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, उससे मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकता। उसे अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, और अकाउंटेबल होगा तभी सरकार दोबारा आ सकती है। लास्ट की दल की स्थितियों में वृद्धि से मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ी है, लेकिन तानाशाह नहीं है। तो ये तानाशाह क्यों नहीं है? इसका है कि विरोधी दल का अस्तित्व, जब विरोधी दल एग्जिस्ट करता है सदन में, संसद में, तो उसे आलोचना का अधिकार है, और विरोधी दल के द्वारा निरंतर आलोचना जनमत में का निर्माण करती है। अतः यह तानाशाह नहीं हो सकता। संसद का नियंत्रण है कि भले ही मंत्रिमंडल है, उसके पास शक्तियां विस्तृत है, लेकिन मंत्रिमंडल तभी तक है जब तक उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत हासिल है, हाउस ऑफ कॉमन्स का समर्थन हासिल है। संसद की अन्य गतिविधियां भी होती हैं, आलोचना, अविश्वास, निंदा, जो भी प्रस्ताव हैं, इन सब प्रस्तावों से, भाषण की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सारे संसद के सदस्य हैं वो सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इन सब प्रविधियों का, उपकरणों का संसद के सदस्यों के जो हाथ में होते हैं, वो मंत्रिमंडल को अकाउंटेबल बनाते हैं, यानी तानाशाह नहीं हो सकता। जनमत का भय, चूंकि मंत्रिमंडल है, वह जनता के द्वारा चुनाव हुए सदस्यों से मिलकर बना हुआ है, तो अगर जनमत उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्हें सत्ता में दोबारा आने की या सत्ता में बने रहने की संभावना
खत्म हो जाती है, इसलिए जनमत का भय मंत्रिमंडल में बना रहता है, इसलिए उसे तानाशाह होने की संभावना नहीं है। सम्राट का विरोध। ब्रिटेन में यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सम्राट के हाथ में सारी शक्तियां हैं, सम्राट के नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन व्यवहार में सम्राट कोई भी काम नहीं करता, सम्राट के सारे कार्य मंत्रिमंडल ही करती है। लेकिन इसके बावजूद कि सम्राट कमज़ोर है, उनके पास कोई व्यवहारिक शक्तियाँ नहीं है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मेहता हासिल है, यानी ब्रिटेन की जनता उन्हें बहुत मेहता देती है, बहुत महत्वपूर्ण मानती है। अतः अगर सम्राट किसी भी चीज़ की आलोचना करते हैं या कोई चेतावनी सरकार को देते हैं या कोई राय सरकार को देते हैं, उसे मानना सरकार के लिए नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि सम्राट की कही बात ब्रिटेन में बहुत मायने रखती है, सम्राट का पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो सम्राट का भी विरोध है, वह मंत्रिमंडल को अकाउंटेबल बनाता है। अगर मंत्रिमंडल कोई गलत काम करती है तो सम्राट चेतावनी देते हैं। थैंक यू सो मच।